हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक से चैप्टर 5th एडिशन से चैप्टर 38 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पंचायती राज के बारे में है। ठीक है, तो मैं क्विकली इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्री के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, पंचायती राज सिस्टम, इसकी बात कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा की गई है, तो वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में आया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो कुछ कमिटीज थी जो पंचायती राज को स्टैब्लिश करने से लेकर इसके इवोल्यूशन तक बनाई गई डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर। तो उन कमिटीज के नाम मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली कमिटी है बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, सेकेंड कमिटी पर जब हम आते हैं वो है अशोक मेहता कमेटी। थर्ड कमिटी है आपकी जी वी के राव कमेटी। फोर्थ एल एम सिंघवी कमेटी, जो कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट में बनाई गई थी 1986 में। और लास्ट सेकेंड लास्ट कमेटी है थुंगोन कमेटी, एंड देन वी हैव गदगिल कमेटी। ठीक है, सबसे पहले किस स्टेट में पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया था, तो वो थी राजस्थान। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। कब इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, पंचायती राज सिस्टम को कब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट लेके आई 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में जुलाई 1989 में। किस लिए लाई थी, ताकि वो पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर सके। फिर उसके बाद वीपी सिंह की गवर्नमेंट, जो कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ वीपी सिंह, अनाउंस दैट वुड टेक स्टेप टू स्ट्रेंथन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फिर लेकिन फाइनली नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उसके प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे, वो फाइनली लेके आए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि किस, वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनके अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, तो आप बोलेंगे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। ओके, तो अब इस एक्ट को देख लेते हैं। इस एक्ट किस पार्ट में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में ये एक्ट आता है, और जो टाइटल दिया गया है वो है द पंचायत्स। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े तो सेलियंट फीचर्स कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर है इस एक्ट का ग्राम सभा। ठीक है, सेकंड फीचर है थ्री टीयर सिस्टम। तो पहला फीचर है ग्राम सभा, कि हर विलेज लेवल पर एक बॉडी होगी जिसमें कौन कौन होगा, ग्राम सभा के मेंबर्स कौन कौन होंगे, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है प्री में। तो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है कि ग्राम सभा एक ऐसी बॉडी होगी जिसमें वो पर्संस होंगे विच आर रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ ए विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। तो विलेज असेंबली में वो सारे रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे जो उस पंचायत के एरिया में आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि क्या ग्राम सभा में विलेज के सारे मेंबर्स आते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, इसमें सिर्फ वो मेंबर्स आते हैं जो कि इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है थ्री टीयर सिस्टम। थ्री टीयर सिस्टम में क्या बताया गया है कि विलेज लेवल पर पंचायत होगी, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन तीनों लेवल पे यानी विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत का गठन होगा। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। ठीक है, जितने भी मेंबर्स होंगे पंचायत के विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद है, और हाँ, चेयरपर्सन जो होंगे इन पंचायत्स के, उनके इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी डिसीजन होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगी थ्रू लॉ। फिर है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दी गई है इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। इस एक्ट में क्या दिया गया है कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स वीमेन के लिए रिजर्व होंगी, और एससी और एसटी कैटेगरी के पर्सन के लिए भी सीट रिजर्व होंगी। फिर ड्यूरेशन ऑफ पंचायत दी गई है 5 years। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, 5 years। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी कहा गया है, और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में भी कहा गया है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में किस एक्ट में कहा गया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9 में। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस दिए गए हैं पंचायत्स के, उनका काम क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के बारे में प्लान्स बनाना, इम्प्लीमेंट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम्स को और सोशल जस्टिस से रिलेटेड स्कीम्स को। और 29 मैटर्स दिए गए हैं, 11th शेड्यूल में वो मैटर्स दिए गए हैं जो कि आपके पंचायत के अंदर आ जाते हैं। फिर फाइनेंसेस, वो अपने टैक्सेस लेवी कर सकते हैं, अपने टोल्स और फीस लेवी कर सकते हैं, जिससे वो अपने फाइनेंसेस एक तरीके से कह सकते हैं जुगाड़ सकते हैं। फिर फाइनेंस कमीशन के बारे में भी इसी एक्ट में कहा गया है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, कि स्टेट का जो गवर्नर है वो हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश करेगा जो कि हर पंचायत की फाइनेंशियल पोजिशन को रिव्यू करेगा। फाइन, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस
गवर्नेंस ऑफ अकाउंट बाय पंचायत। तो किसको ये हक दिया गया है, किस ये वो दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेचर को, कि वो ऐसा प्रोविजन बना सकता है जिससे कि वो पंचायत के अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है। ओके ओके, फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये दी गई है कि जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट कर सकता है कि इस एक्ट के जो प्रोविजंस है वो यूनियन टेरिटरीज पे भी अप्लाई हो सकते हैं। तो इसमें वो प्रेसिडेंट को डिसीजन दे दिया गया है। कुछ स्टेट्स और एरियाज को एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इनको इस एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत्स, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर। पंचायत से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे, उनके इलेक्टोरल से रिलेटेड बेसिकली जितने भी मैटर्स होंगे, उसमें कोर्ट्स दखलंदाजी नहीं कर सकते। ऐसा सेम प्रावधान हमारा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए भी होता है। अब 11th शेड्यूल में 29 मैटर्स दिए हुए हैं, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट मैटर्स दे देती हूँ जो पंचायत रेगुलेट करती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये टॉपिक पंचायत के अंदर आता है। हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, ये भी सब पंचायत के अंदर आता है। उसके बाद एक और एक्ट है, वो है पैसा एक्ट ऑफ 1996, एक्सटेंशन एक्ट, PESA। पार्ट 9 का जो प्रोविजन है, द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल टू द 5th शेड्यूल्ड एरियाज। इस एक्ट में आपको बस ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो जो 5th शेड्यूल में जितने भी एरियाज हैं, उनको पंचायत राज वाला जो एक्ट है उससे एग्जेम्प्ट किया गया है। ये है आपका पैसा एक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिया गया है कि पार्लियामेंट मे एक्सटेंड दीज प्रोविजन टू सच एरियाज सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन एज इट मे स्पेसिफाइड, ठीक है। तो इसी में ही पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जिसको पैसा एक्ट या एक्सटेंशन एक्ट भी कहा गया है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं फाइनेंसिस ऑफ पंचायत, सेकंड ARC, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2005 से 2009 में उसने समराइज किए हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज इसमें कुछ रीजंस दिए हुए हैं कि क्यों 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उतना अच्छा नहीं कर पाया। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। वो पॉइंट है लैक ऑफ एडिक्वेट डिवोल्यूशन, एक प्रॉपर डिवोल्यूशन नहीं हो पाया। एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा ज्यादा कंट्रोल है। टाइड नेचर ऑफ फंड्स, उनको प्रॉपर फंड्स नहीं मिलते, या मिलते भी हैं तो कहीं ना कहीं उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, रिलक्टेंस टू यूज फिजिकल पावर्स, स्टेटस ऑफ द ग्राम सभा, क्रिएशन ऑफ पैरेलल बॉडीज। पंचायत तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार की ब्यूरोक्रेसी वाली पैरेलल बॉडीज भी हैं, जिसकी वजह से कुछ डिसफंक्शन हो जाता है। एंड देन अगेन लास्ट टॉपिक इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बहुत शॉर्ट मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम या MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं, टॉपिक है, वो मैंने आपको इस एक्ट के थ्रू बताया। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।